हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास एट के लिए एक्सरसाइज 10E का 14 नंबर और 15 नंबर दो सवाल लेकर आया। तो सबसे पहले देखिए 14 नंबर का सवाल। किसी किसान ने अपने खेत में खाद डालने के लिए, ठीक है, 1000 रुपया 3 वर्ष के लिए सहकारी समिति से ऋण के रूप में लिया। यदि उसे चक्रवृद्धि ब्याज लगता हो तो बताइए कि ब्याज की दर क्या होगी, जबकि अवधि के अंत में उसे कितना मिला, 1331 रुपया मिला नहीं बल्कि इतना रुपया लौटाना पड़ा। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका सवाल हम किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले देखिए मूलधन तो लेना पड़ेगा। दिया है मूलधन 100 रुपया, 1000 रुपया, मूलधन पी बराबर 1000 रुपया। अच्छा, कितना समय के लिए, 3 वर्ष के लिए। समय बराबर एन बराबर 3 वर्ष। अच्छा, दर हमें निकालना है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि ब्याज दर क्या है, आर, समय हो गया, मूलधन भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो लौटाना पड़ा ये समूल चक्रवृद्धि ब्याज है, जिसको कि हम ए कहते हैं, 1331, ठीक है, रुपया। तो यहाँ पे जो सूत्र बैठाने जा रहे हैं वो है समूल चक्रवृद्धि का, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि ए बराबर पी 1+R/100 अब पावर एन, और ए के जगह पे बैठाएंगे, ठीक है, पी के जगह पे बैठाएंगे 1000, 1+R के जगह पे, आर के जगह पे हमको मालूम नहीं है, निकालना है, एन के जगह पे 3 बैठा देंगे और 1331 बटे, इसको 1000 को बराबर के इधर ले आइए, बटे में चल जाएगा, इसको 100+R कर लीजिए, अब बटे 100 कर लीजिए, पावर 3 कर लीजिए, ठीक है। अगर ये 3 पावर के रूप में आ जाए तो पावर पावर कैंसिल हो जाए, तो उसके लिए इसको हम 11/10 का होल क्यूब लिख सकते हैं। 11 11 तीन बार गुना करिए आ जाएगा 1331, 100+R/100। अब देखिए यहाँ पर पावर तीन दोनों तरफ है इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा। 11/10 100+R/100, इसको काट सकते हैं, अब क्रॉस गुना कर सकते हैं। क्रॉस गुना जब करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 100+R/110 और अब R बराबर हमको निकालना है, तो R बराबर 110 - 100 R = 10%। आता दर यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 10% इसका दर निकल करके आ गया। क्लियर। अब आगे बढ़ा जाए, देखें सवाल नंबर 15 क्या है। 15 नंबर में सवाल देखिए, कोई मूलधन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाता और 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाता, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे समय दिया है 2 वर्ष और 3 वर्ष दिया है, पहली स्थिति में 2 वर्ष, दूसरी स्थिति में 3 वर्ष, ठीक है, और दोनों का क्या दे दिया है, ए दे दिया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे करना क्या है, पहली स्थिति में ए बराबर 5.7840 रुपया, समूल चक्रवृद्धि है ये, समय पहला बार में 2 वर्ष का समय है,
ठीक है, दर बराबर आर बराबर हमें निकालना है व्हाट, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। दूसरी स्थिति में क्या दिया है, दूसरी स्थिति में ए बराबर दिया है 607.32 रुपया, समय एन बराबर मिला है 3 वर्ष, 3 वर्ष में ज़्यादा पैसा बढ़ा है, और दर तो इस स्थिति में भी दर सेम रहा है, ठीक है, तो दर तो यहाँ भी क्या है, आर ही होगा, आर प्रतिशत, ठीक है, जो कि हमें ज्ञात भी करना है। तो अब देखिए, पहली स्थिति में हमें ए जो मिलता है वो है 5078.40 रुपया, और दूसरा में 5078.40, और दूसरा में है 607.32 रुपया। तो अब यहाँ पे देखिए, पहली स्थिति में निकालेंगे हम ए बराबर, अच्छा मूलधन यहाँ पे क्या करना लेना पड़ेगा, मान लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मूलधन दिया नहीं है, ठीक है, तो मूलधन कुछ ना कुछ मानना ही पड़ेगा, माना मूलधन बराबर, मूलधन हम मान लेते हैं 6, क्योंकि बिना मूलधन का काम नहीं चलेगा, माना कि मूलधन एक ही है, दोनों स्थिति में मूलधन क्या है, पी है, व्हाट, दोनों स्थिति में मूलधन क्या है, पी है। तो पहली स्थिति में बताइए क्या होगा, पहली स्थिति में ए बराबर पी वन प्लस आर बटे 100 पावर n, और पहली स्थिति में देखिए जो 2 वर्ष का है तो उसमें ए कितना था, पहली स्थिति में जो ए है वो दिया है 578.40 बराबर पी वन प्लस आर के जगह पे, पहली स्थिति में आर के जगह पे कुछ भी नहीं मालूम है तो आर बटे 100 कर लेंगे, अब पावर एन, तो पहला स्थिति में 2 वर्ष का है, इसको समीकरण 1 कर लेंगे, और दूसरी स्थिति में फिर निकाल लेंगे, दूसरी स्थिति में, ठीक है, दूसरी स्थिति में ए बराबर पी वन प्लस आर बटे 100 पर पावर एन, और एक दूसरी स्थिति में देखिए ए बराबर है 607.32 बराबर पी वन प्लस आर बटे 100, दोनों स्थिति में आर पता नहीं है लेकिन एन पता है, 3, समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 में 1 से डिवाइड कर दीजिए, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में 1 को, समीकरण 2 में 1 से क्या करने पर, भाग देने पर, अगर इसको भाग देते हैं तो समीकरण 2 को पहले रखेंगे 607.32 डिवाइडेड बाय, और उसका कितना है 578.40 बराबर, यहाँ पर है पी वन प्लस आर बटे 100 पर पावर 3 है, और यहाँ पे है पी
वन प्लस आर बटे 100 पर पावर 2 है, पी पी कैंसिल, ठीक है। और ये एक मिनट, और ये जो है ये अगर कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे 1 प्लस आर बटे 100 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि तीन ठो है। तो यहाँ पे देखिए मिलेगा हमें क्या, और 60732 डिवाइडेड बाय 57840 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बटे 100 मिलेगा, क्योंकि सारा तो कट गया है। अब इसको अगर हम काटें, इसको अगर हम काट लेते हैं, तो काटने से हमें क्या क्या मिलने वाला है सो देखिए। इसको अगर हम काटते हैं तो 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 छक 24, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 4 एकम 4, फिर आ जाए 4 अठी 32, और 4 अठी 32 और 4 3 12। अब देखिए कटेगा किससे, 4 4 8 1 9 9 6 15, 15 15 आ गया, तो 3 से काट सकते हैं, 3 चौक 12, 3 अठी 24, 4820 आया, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 एकम 3। अब इससे ज़्यादा काटना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, इसको फिर से लिखेंगे 5061 डिवाइडेड बाय 4820 बराबर, यहाँ पे अगर बिन का जोड़ करेंगे तो 100 प्लस आर बटे 100, ठीक है। इसमें 00 काट सकते हैं, 00 ऐसे ही काट देंगे। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है सो देखिए, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा सबसे पहले आ जाएगा 482 और 00 और प्लस 482R, ठीक है, और बराबर इधर मिल जाएगा आपको 5061 8 0, ठीक। और अगर 482R बराबर निकालेंगे तो 50610, अब इसमें माइनस करना पड़ेगा किसका, तो 48200। अब अगर माइनस करें तो कितना आ जाएगा, और 482R बराबर, इसको अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है, 0 में 0 0, फिर आएगा ये 1, ठीक है ना, फिर 6 में 2 गया तो 4, 6 में 2 गया 4, और ये बचेगा 10 में से 8 गया 2, ठीक है। अब हमें R निकालना है, और R बराबर आ जाएगा कितना, तो 2410 डिवाइडेड बाय 482, ठीक है। इसको कितना से काटेंगे, इसको अगर हम 5 से काटें तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10 का 0, अगर हम 5 से काटें तो इसको कितना आएगा, 4 8 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 0 बाकी 1, 8 5 40, 41 का 1 बाकी 4, अब 5 चौक 20 4 24, देखिए पूरा पूरी आ गया, इसलिए इसको इससे काट देते हैं, बराबर कितना आ गया, 5%। तो देखिए यहाँ पे जो पूछा है वो क्या पूछा है, दर पूछा है ना,
हमें दर पूछा है, तो दर जब पूछा है तो दर कितना आ गया है, यहाँ पे दर ज्ञात करें, तो अतः दर बराबर हम लिख सकते हैं, अतः दर बराबर 5% और यही क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर। तो आज का वीडियो यहीं शेष होता है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।